उज्जैन के लालपुर स्थित ज्ञानोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। छात्रों ने स्कूल और हॉस्टल प्रबंधन पर निम्न स्तर का भोजन और गंदा पानी पिलाने के आरोप लगाए। छात्रों की मांग पर कलेक्टर ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। उज्जैन के कोटे पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। दरअसल यहां लालपुर स्थित ज्ञानोदय विद्यालय के विद्यार्थी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। विद्यार्थियों का आरोप है कि विद्यालय और हॉस्टल में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, निम्न स्तर का भोजन दिया जा रहा है, पीने का पानी गंदा और बदबूदार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तत्काल एक जांच कमेटी बनाई है और विद्यालय में जाकर बच्चों के बयान लेने के आदेश दिए हैं। एडीएम अनुकूल जैन ने कहा कि यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चले खाने की ऋण की तो वो और बजट बता था, बजट नहीं हमारा, ये नहीं है। और कर्मचारी दारू पी के आते, गाली गुप्त करते, मारते है, ये सब समस्या जल्दी जल्दी निवारण होना चाहिए हमारा। और रात को भी दूध चाय कुछ भी नहीं मिलता है और पानी खत्म हो जाता है और पानी ऐसा आता है उसमें रहती रहती सब कचरे का पानी आता है। ये ज्ञानोदय स्कूल के छात्र हैं, इन्हों को दिन ब दिन प्रिंसिपल द्वारा हॉस्टल वार्डन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और ग्राउंड में जो इनका स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसमें नहीं जाने दिया जाता है। मेस का खाना बिगड़ा हुआ है और इनका जो भी प्रशासन है सब अभद्रता से बच्चों के साथ बात करता है और बच्चों को धमकियाँ दी जाती हैं, तुम्हें रेस्टिकेट कर देंगे, तुम्हारा चरित्र खराब कर देंगे, ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, TC दे देंगे। छात्र जब भी अपनी समस्या लेके इनके पास जाते हैं तो तत्काल ये धमकी देते हैं कि तुम्हें TC दे देंगे। पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स को बच्चों के बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं। बच्चे जो पढ़ाई करने वाले हैं वो बच्चे जब क्लास लेने जाते हैं तो क्लास में टीचर अवेलेबल नहीं होता। जब छात्र टीचर के बारे में प्रिंसिपल से बोलते हैं तो प्रिंसिपल ऑफिस में उपस्थित नहीं होता। मतलब इन सब ने पूरा करप्शन का अड्डा बना रखा है ज्ञानोदय स्कूल को। ना प्रिंसिपल अवेलेबल होता है ना टीचर अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर अभी लगभग 400-500 छात्र हैं जिसमें से अभी ये 100-150 छात्र अपनी मांग लेके आए। कलेक्टर महोदय से बात ये हुई है कि मेस का खाना सुधारा जाए, वहाँ की गतिविधियाँ सुधारी जाए और जो प्रिंसिपल सर हैं उनको हटाकर दूसरे प्रिंसिपल सर लाए जाए, जिससे कि पूरा परमानेंट प्रिंसिपल सर लाए जाए, जिससे कि पूरा विश्वविद्यालय की पूरे विद्यालय की हालत सुधर जाए। छात्रों को उम्मीद है कि जिस तरह कलेक्टर ने जांच के लिए कमेटी बनाई है उसके हिसाब से सभी समस्याओं का निराकरण होगा। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत बैंगवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।